हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको GICs या सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है कि क्या हमें RRSP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें TFSA के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आपको ये नहीं पता कि RRSP और TFSA क्या होता है, तो ये कनाडा में आपकी दो सेविंग स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसको हम अभी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान का मतलब होता है कि ये टैक्स डेफर्ड प्लान होता है। तो जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो आपको उस ईयर में टैक्स रिबेट मिलती है, और जब आप इसमें से विड्रॉ करते हैं अपने फंड्स, दैट इज टेकन एज योर इनकम, और उसमें आपको तब टैक्स पे करना होता है। और जो हमारा टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट होता है वो हम टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें जो भी हम कैपिटल गेन कमाते हैं या जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसमें हमें कोई टैक्स पे नहीं करना होता। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहली चीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस आर टैक्स डिडक्टेबल, पे टैक्सेस व्हेन यू विड्रॉ द फंड। तो जब भी आप फंड्स को विड्रॉ करेंगे तो आपको टैक्स पे करना है, वेयर एज TFSA में आपकी टैक्सेबल इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचती है आप उससे इन्वेस्ट करते हैं आगे। हमें RRSP में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब हम हायर टैक्स ब्रैकेट पे हो। तो लेट्स से कि आप $120,000 कमाते हो, तो अभी आपको 40% टैक्स पे करना है, तो आप $120,000 पे 40% पे करोगे। अदरवाइज अगर आप $30,000 तक इन्वेस्ट कर देते हो अपने RRSP अकाउंट में, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो $90,000 बन जाएगी। और कभी फ्यूचर में जब आप रिटायर होते हो तो लेट्स से कि आपका टैक्स स्लैब 20% है, तो जो आपने $30,000 सेव किया था प्लस जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, अगर आप उसको विड्रॉ करते हैं तो आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि तब आपकी इनकम जो है वो कम है, तो ये इसका मेन बेनिफिट होता है। और TFSA में आपका जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि TFSA को आप कभी भी किसी भी पर्पज़ के लिए विड्रॉ कर सकते हैं, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको सारा पैसा विड्रॉ करना है आप सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोनों में सेम ऑप्शन है, आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ETF में, इंडेक्स में, बॉन्ड्स, GIC, ट्रेजरी बिल्स, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नॉर्मल हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? सो RRSP को जैसा हमने डिस्कस किया कि आप TFSA को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो RRSP आप सिर्फ दो रीज़न से विड्रॉ कर सकते हैं, वो है 35,000 फॉर योर फर्स्ट होम और 20,000 फॉर योर एजुकेशन। अगर आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान है तो उसके अंतर्गत अगर आपको कोई कोर्स करना है तो आप $20,000 तक टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं, और वो आप ईयर ऑन ईयर पे वापस पे कर सकते हैं अपने RRSP अकाउंट में, ठीक है। बट जब आप इसको फ्यूचर में या रिटायरमेंट में अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो ये आपकी इनकम कंसीडर होगी। तो अगर आपको जो बेनिफिट मिल रहा होगा कनाडा गवर्नमेंट में से, जैसे कि आपका ओल्ड एज सिक्योरिटी है या आपका गारंटीड इनकम सप्लीमेंट है, तो वो आपका कम हो सकता है। और TFSA का लिमिटेशन है कि अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 15% टैक्स विदहोल्ड कर लिया जाता है USA में। तो अगर आपको US स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप RRSP में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर आपको कनाडा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप TFSA में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन रूम, तो जितना भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन रूम लास्ट ईयर का बचता है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि अभी आपका टैक्सेबल इनकम कम है, अगर आप कम ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसको आगे के लिए छोड़ सकते हैं, और जब फ्यूचर में आपका टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तो आप RRSP का ये कॉन्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। TFSA में भी आपका ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपका वो कॉन्ट्रीब्यूशन एड ऑन होता रहता है। और दूसरी बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लेट्स से कि मेरा TFSA में $100,000 डिपॉजिट है, और इस ईयर मैं प्लान करता हूँ कि मुझे $50,000 विड्रॉ करने हैं। सो नेक्स्ट ईयर मैं वो $50,000 दोबारे डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो मुझे वो जो मेरा रूम है वो रिगेन हो जाता है।
अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं तो 18% ऑफ द अमाउंट जो हमारा 2022 में मैक्सिमम अप टू $29,210 था और 2021 में $27,830 था। वेरस TFSA की जो लिमिट है वो थोड़ी कम होती है, तो वो हमारी 2022 में $6,500 है और 2021 में वो हमारी $6,000 थी। सो अब मैं आपको ये सब एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। आप अगर आप बैंक की साइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी, बट ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी इनकम क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किसी को भी इंटरनेट पे सुन के अपने लिए डिसीज़न ना लें, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या जो रिसर्च मैंने अपने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के लिए कर रखी है। पहले आप कंसल्ट करें इंटरनेट पे, मुझे या किसी और को सुनकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मत बनाएं। सो लेट्स से कि आपकी जो इनकम है वो अभी मीडियम है, $60,000-$70,000 के आसपास आपके एनुअल पैकेज है और जब आप रिटायर होते हैं ब्रैकेट होगा वो मीडियम रेंज में लाई करेगा। सो अगर आपको $1,000 इन्वेस्ट करना है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो RRSP है वो टैक्स बिफोर टैक्स डिपॉजिट है, तो आपका पूरा $1,000 इन्वेस्ट हो सकता है। और अगर आप TFSA में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका $700 इन्वेस्ट होगा, क्योंकि 30% आपका टैक्स में चला जाएगा। आप इंटरेस्ट रेट हमें एक लमसम इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं कि अगर आपका जो रिटर्न मिल रहा है आपको वो आपको 5% के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। सो अगर आपने 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, सो आफ्टर 20 इयर्स जो आपका ये $1,000 हैं वो RRSP में बन जाएंगे $2,653, और अगर वो आप TFSA में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके बन जाएंगे $1,857। बट ये अभी आपका विड्रॉवल अमाउंट नहीं है, तो अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो RRSP में आपको उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप 30% टैक्स अगर आप डिडक्ट करते हैं तो आप 796 टैक्स में डिपॉजिट कराएंगे और जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1857 होगा। एंड सिमिलरली अगर आप 35 इयर्स के बाद विड्रॉ करते हैं तो भी अगर आप देखोगे तो आपका जो अमाउंट है वो समवेयर अराउंड सेम ही आएगा, अगर आपका टैक्स ब्रैकेट सेम है तो। तो अब हम बात करते हैं दूसरे ब्रैकेट के बारे में, वो है कि अगर आपकी इनकम अभी हाई है तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो ज़्यादा है, बट जब आप रिटायर करते हैं तो जो आपका टैक्स ब्रैकेट होगा वो लो होगा। सो लेट्स से कि आपने $1,000 इन्वेस्ट किया, सो लेट्स से कि आपने $600 अभी इन्वेस्ट किया प्लस $400 जब आपको टैक्स रिबेट मिला तो आपने इन्वेस्ट किया, और या फिर अगर आपका ग्रुप RRSP है तो आपने डायरेक्टली $1,000 इन्वेस्ट कर दिया, और अदरवाइज अगर आप TFSA में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने $600 इन्वेस्ट किया क्योंकि आपका 40% टैक्स था। नाउ हाउ योर मनी विल ग्रो, सो द मनी दैट यू विल विड्रॉ विल बी 1592 बेस्ड ऑन द 40% टैक्स की। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपकी जो एज है वो 30 के आसपास है और 50 ईयर्स के आसपास भी आपका जो टैक्स ब्रैकेट होगा वो 40% होगा, ठीक है। बट लेट्स से कि अगर आप जब रिटायर होते हैं तो आपका टैक्स ब्रैकेट कम है, तो अगर आपका टैक्स ब्रैकेट 25% का है, इन दैट केस जो आपका विड्रॉवल अमाउंट होगा वो आपका होगा $4,137, और अदरवाइज अगर आपका 20% टैक्स ब्रैकेट है तो वो आपका होगा $4,413। Whereas, अगर हम $600 जो हमने इन्वेस्ट किए थे TFSA में, हमको जो विड्रॉल मिलेगा वो मिलेगा $3,310। तो इसके लिए अगर आपका टैक्स ब्रैकेट ज़्यादा है और आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, तो बेस्ट है कि आप RRSP में इन्वेस्ट करिए। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका कोई भी ब्रैकेट हो, या मीडियम हो या हाई हो या लो हो, बट अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन दैट केस आपको RRSP में सबसे पहले इन्वेस्ट करना है। रीज़न बीइंग, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप $1,000 RRSP में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपका एम्प्लॉयर मैच करता है वैल्यू को, तो वो भी $1,000 डिपॉजिट करेगा। सो जो आप 20 इयर्स के बाद विड्रॉ करते हैं तो वो अमाउंट भी आपका डबल हो जाएगा, तो वो जाएगा 3184। एंड अगर आप 35 इयर्स के बाद विड्रॉ करते हैं और अगर आपका टैक्स ब्रैकेट कम है तो दैट विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 8.5 grand। या सो यू कैन सी द डिफरेंस कि अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बिना सोचे समझे आपको RRSP में कंट्रीब्यूट करना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ डिसीजन ट्री, कि अगर आपको डिसीजन लेना है कि आपको RRSP में इन्वेस्ट करना है या TFSA में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। सो पहली चीज जो मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ वो है कि क्या आपने अपना इमरजेंसी फंड बिल किया है।
अगर आपने अपना इमरजेंसी फंड नहीं बिल्ड किया है, इन दैट केस आप इमरजेंसी फंड बिल्ड करिए, आप उसको कैशेबल GIC में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डेब्ट नहीं है जिसका इंटरेस्ट रेट 5-6% से ज़्यादा है, इन दैट केस आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अदरवाइज अगर इसका आंसर नो है तो पहले उसको क्लियर करिए, डेब्ट को क्लियर करिए, आप अपना इमरजेंसी फंड को बिल्ड करिए, एंड देन वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो स्ट्रेट अवे RRSP में इन्वेस्ट करना है। और अगर दूसरा चीज़ है आपका टैक्स स्लैब क्या है, तो अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हैं अभी और आप फ्यूचर में लोअर टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, इन दैट केस ऑल्सो आप RRSP को प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो है कि आपको पैसा विड्रॉ करना है। तो लेट्स से आप अपना एक घर खरीद चुके हैं, अब आपको दूसरा घर खरीदना है, तो अगर आप RRSP में अभी डिपॉजिट करते हैं तो अगर आप 2 साल या 3 साल बाद विड्रॉ करेंगे तो आपका सेम टैक्स ब्रैकेट होगा। अभी आपका लेट्स से 35% है तो तब भी आपका 35% होगा, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप TFSA में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। सो अगर आपका इन सब चीज़ों का आंसर यस है, इन दैट केस फर्स्ट इन्वेस्ट इन RRSP। और अगर आपका आंसर नो है कि आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, टैक्स स्लैब जो है आपका वो आपका टैक्स स्लैब कम है और आपको शायद अर्ली विड्रॉवर करना पड़ सकता है अपना पैसा, तो पहले आप कॉन्ट्रीब्यूशन रूम जो फिल करेंगे वो आप TFSA का करेंगे, विच इज 6500। और अगर आपका आंसर यस था तो पहले आप RRSP का कॉन्ट्रीब्यूशन रूम फिल करेंगे, वो है आपका अप टू अराउंड 29,000 और योर 18% ऑफ द सैलरी, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑल्टरनेट वाला बचता है वो फिल करना है, जैसे अगर आपने TFSA में किया तो RRSP, और अगर आपने RRSP में इन्वेस्ट किया था तो अब आपको TFSA में इन्वेस्ट करना है। एंड देन जो आपको आगे की सेविंग्स करनी है, अगर उसके बाद भी आपके पास बैंडविड्थ है कि आप और सेव कर सकते हो, तो आप नॉन रजिस्टर्ड सेविंग्स में भी सेव कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है TFSA के लिए या RRSP के लिए, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल मैसेज भेजना है, आपको कमेंट्स में पब्लिकली नहीं लिखना, तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मैं वीकली ईमेल्स पर रिप्लाई करता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, हैव अ गुड वन, बाय बाय।